90% से भी अधिक बच्चों का जन्म होता है बिटवीन 1:30 AM इन द नाइट से लेके सुबह के 6:30 बजे तक, जबकि ज़्यादातर हार्ट अटैक, ज़्यादातर कार्डियक अरेस्ट, ज़्यादातर स्ट्रोक का जो टाइमिंग है दैट इज़ बिटवीन 6:30 AM टू 12 noon. और ये देखा गया है मेजोरिटी ऑफ द सुसाइड केसेस वो रिपोर्ट किए जाते हैं बिटवीन 12 noon टू अबाउट 2:30 PM. तो ये मिस्ट्री क्या है, ये मामला क्या है, ये इसके पीछे का साइंस क्या है, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं. आप एक्सपीरियंस करेंगे, गौर करेंगे कि अधिकतर स्नीजिंग या रनिंग नोज या स्टफी नोज होता है इन द मॉर्निंग टाइम, जबकि अधिकतर न्यूरोपैथिक पेन मैक्सिमाइज्ड होता है ड्यूरिंग द नाइट टाइम. तो ये टाइम का जो मामला है, इसे अगर समझना हो, द मिस्ट्री ऑफ ह्यूमन केमिस्ट्री अगर आपको समझना हो, तो आपको समझना पड़ेगा द ह्यूमन सर्केडियन रिदम. ह्यूमन सर्केडियन रिदम समझना इसलिए ज़रूरी है बिकॉज ह्यूमन सर्केडियन रिदम को समझकर आप किसी भी बीमारी को ठीक करने की तरफ आगे बढ़ सकते हैं. ह्यूमन सर्केडियन रिदम डिपेंड करता है द टाइम ऑफ द सन राइज, द पोजिशन ऑफ द मून एंड द लॉ ऑफ ग्रेविटी. हम इन तीनों फैक्टर से कनेक्टेड हैं और यही तीनों फैक्टर हमारे बॉडी की केमिस्ट्री को काफ़ी हद तक कंट्रोल करते हैं. इन फैक्टर को कंसिडर किए बिना आप किसी भी बीमारी को ठीक नहीं कर सकते, और इन फैक्टरों को कंसिडर करके लगभग हर बीमारी को आप पूरी तरह ठीक कर सकते हैं. हमारे पास जब पेशेंट आते हैं, चाहे वो क्रॉनिक किडनी डिजीज़ के पेशेंट हो, चाहे वो कैंसर के पेशेंट हो, चाहे वो बोन डिजीज़ के पेशेंट हो, या नॉर्मल डायबिटीज़, हार्ट डिजीज़ एक्सेट्रा के पेशेंट्स हो, जैसे ही हम सर्केडियन रिदम के प्रिंसिपल्स, प्रोटोकॉल्स को उनके लाइफस्टाइल में डालते हैं विद इन द फर्स्ट 72 आवर्स, हमें उनमें क्लियर कट इम्प्रूव्ड ब्लड रिपोर्ट या इम्प्रूव्ड सिम्टोमेटिक रिलीफ दिखता ही दिखता है. तो ये कनेक्शन है बिटवीन द सनराइज टाइमिंग, द पोजिशन ऑफ द मून एंड द ग्रेविटी. इन तीनों का जो कनेक्शन है, उसकी जो मिस्ट्री है, उसका जो साइंस है, वो अगर आपको समझना है तो आपको पढ़ना होगा माई नेक्स्ट बुक द सर्केडियन डॉक्टर. ये किताब मैं रिलीज़ करूँगा ऑन राजीव दीक्षित जयंती, जो कि 30 नवंबर को है. 12 बजे मैं आपको इन्वाइट करता हूँ फॉर अ लाइव ट्रेनिंग. इस ट्रेनिंग के माध्यम से मैं कुछ ऐसी बातें बताऊँगा जिससे आपके लिए इमरजेंसी हैंडलिंग आसान हो जाएगा. इमरजेंसी मेडिकल हैंडलिंग, अचानक कोई बेहोश हो गया तो क्या करना है, अगर शूटिंग पेन अचानक हो, मान लो किडनी स्टोन का पेन है, गॉल ब्लैडर स्टोन का पेन है, कैंसर का पेन है, तो उस वक्त हमें क्या करना चाहिए, सो दैट वी गिव एन इंस्टेंट रिलीफ टू द पेशेंट. या फिर यूँ बोलें कि किसी का ब्लड प्रेशर शूट अप कर गया, इसी वक्त अगर उसको कंट्रोल करना है, वो भी बिना किसी दवाई के, तो क्या कैसे करना है. किसी का ब्लड शुगर एकदम से ऊपर चला गया, उसको नीचे लाना है बिना किसी दवाई के, और वो भी इंस्टेंटली, तो क्या करना है. इसे बोलते हैं, आप बोल सकते हैं VST, वेजो स्टिमुलेशन थेरेपी. वेजो स्टिमुलेशन मतलब वेजो डायलेशन, यानी कि आपका ब्लड वेसल का डायलेट होना, खुलना. वेजो कंस्ट्रिक्शन यानी कि आपके ब्लड वेसल का कंस्ट्रिक्ट होना, उसके डायमीटर का छोटा होना. ये दो फैक्टर हैं, एक तरफ बड़ा होना, एक तरफ छोटा होना. इन फैक्टर को अगर आप कंट्रोल कर पाएँ तो बॉडी के बहुत सारे इमरजेंसीज को आप कंट्रोल कर सकते हैं. तो ये ऐसे कुछ टेक्निक्स हैं जो मुझे लगता है कि लाइफ सेविंग टेक्निक्स हैं, जो हर एक को आना चाहिए, हर एक को आना चाहिए. क्योंकि जब भी आपको, भगवान न करे, आपको या आपके आसपास किसी को मेडिकल इमरजेंसी आएगी, तो उस वक्त सिर्फ और सिर्फ आप ही अपने साथ हैं. सो उस वक्त अगर कोई सोचे कि हॉस्पिटल ले जाएं और वहाँ पे इलाज हो, बेहतर ये है कि आप खुद अपना डॉक्टर बने. तो मैं आपको इनवाइट करता हूँ इन द लाइव ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑन द ओकेशन ऑफ राजीव दीक्षित जयंती, 30 नवंबर को 12 बजे. और इसके लिए आपको सिर्फ इतना करना है कि 12 बजे 30 नवंबर को स्क्रीन पे दिए हुए लिंक में जाके आपको मुझसे जुड़ना है. उस दिन मैं रिलीज़ करूँगा मेरी किताब, अगली किताब, 29th book, द सर्केडियन डॉक्टर. इस किताब का एक लाइव लिंक भी मैं रिलीज़ करूँगा, ताकि आप इस किताब को डाउनलोड कर पाएँ, उसी वक्त फ्रीली एक्सेस कर पाएँ. तो मिलते हैं 30 नवंबर दोपहर को 12 बजे, राजीव दीक्षित जयंती के दिन. ऑल द बेस्ट. जय हिंद.
अगर आप लाइव सेविंग वीडियोस, हेल्थ टिप्स के रेगुलर अपडेट्स चाहते हैं, हमसे व्हाट्सएप से जुड़ना चाहते हैं, तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए अपना नाम।